8 साल बाद 7 नवंबर 2003 सेशन कोर्ट दिल्ली। यह अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल साजिश और 201 सबूत मिटाने के इल्जाम में मुजरिम सुशील शर्मा को सजाए मौत देती है। हैंग टिल डेथ। बारह साल बाद 29 फरवरी 2007 दिल्ली हाई कोर्ट। यह अदालत सेशन कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए मुजरिम सुशील शर्मा की फांसी की सजा बरकरार रखती है। हैंग टिल डेथ। अठारह साल बाद 8 अक्टूबर 2013 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। तंदूर कांड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता, ना ही सुशील शर्मा पेशेवर मुजरिम है। उसने ये कत्ल निजी रिश्तों में आई खटास की वजह से किया था। उसके सुधरने की उम्मीद अभी बाकी है, लिहाजा ये अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करती है। सुशील शर्मा क्योंकि उनसे बहुत प्रेम करते थे और बहुत पॉजिटिव थे, इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने निर्णय में कि ये उसी सरकमस्टेंसेज में उस पॉजिटिवनेस के कारण ये ऑल ऑफ अ सडन उस रेज में उन्होंने ये ऑफेंस किया। तंदूर कांड 20 साल बाद सितंबर 2015 तिहाड़ जेल दिल्ली। और सुशील शर्मा बिना किसी शर्त के मिले पेरोल पर जेल से बाहर आजाद। उसकी आजादी अब हमेशा की आजादी बन सकती है। बहुत मुमकिन है अब सुशील शर्मा वापस जेल न जाए, क्योंकि उम्र कैद की सजा में से बाकी उम्र की सजा शायद माफ हो जाए। माफ हो जाए क्योंकि 20 साल वो पहले ही जेल में काट चुका है। इन 20 सालों में कैदियों को मिलने वाली छुट्टियों को भी जोड़ लिया जाए तो 4 साल तो उसकी छुट्टी के ही बनते हैं, यानी जेल नियम के हिसाब से उसने 24 साल की सजा काट ली है। पर सुशील शर्मा की बाकी की उम्र को कैद से रिहाई देने का आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को लेना है। सलाह पहले ही दिल्ली सरकार उन्हें दे चुकी है। दो जुलाई 1995 गोल मार्केट नई दिल्ली सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A रात के 8:30 बजे। अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/2A से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलिथिन में रखी कोई वजनी चीज खसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक मारुति कार खड़ी थी। साया पॉलिथिन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे आईटीओ पुल। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला आईटीओ पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था, लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी पॉलिथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था, लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो पॉलिथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलिथीन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी, लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस क्लॉट प्लेस की तरफ भागती है। क्लॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर
बगिया रेस्तरा के पास जाकर रुक जाती है। रात करीब 10:30 बजे बगिया रेस्तरा अशोका यात्री निवास नई दिल्ली। रेस्तरा में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्तरा में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्तरा के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्तरा तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्तरा बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्तरा की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्तरा का तंदूर अब भी चल रहा था। रात करीब 11:30 बजे बगिया रेस्तरा अशोका यात्री निवास नई दिल्ली। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्तरा पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्तरा के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्तरा का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील शर्मा कार की डिक्की से पॉलिथीन बाहर निकालता है। पॉलिथीन में एक लाश थी। सुशील शर्मा अब केशव के साथ मिलकर लाश को तंदूर में डाल देता है, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग की लौ तेज करने के लिए दोनों उसमें मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है, आग की लौ तेज होती जाती है, पर यही एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार पर रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारों की नजर पड़ जाती है। अनारों को लगा कि शायद रेस्तरा में आग लग गई है, लिहाजा अनारों चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारों की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनारों के पास आता है और फिर रेस्तरा से उठती आग की लपटों को देखकर रेस्तरा की तरफ दौड़ पड़ता है और इस तरह सामने आती है वैशीपन की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। मैं दौड़ कर उनके पास पहुंचा और मैंने भी देखा यहाँ आग लग रहे थे, यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक आग लग रहे थे। तो मैं फटाफट वहाँ एक पब्लिक बूथ था, बूथ में गए तो लॉक लगा हुआ था। फिर मैं दौड़ के अपना वेस्टर्न कोट में पुलिस पिकेट में गए, वहाँ से वायरलेस सेट ले लिया। वायरलेस सेट ले के उसमें उनसे मैसेज दे दिया, मैसेज अपना कंट्रोल रूम को और पुलिस स्टेशन को दिया। उसका नाम केशव है, वो खड़ा हुआ था और उन्होंने इसमें बट्टी में लकड़ियाँ डाल के आग लगा रहे थे। तो मैं आते ही उनसे पूछा भाई इतना आग लग रहा है तो होटल को भी आग लग सकता है, आप ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने मुझसे कहा आप मेरा इज्जत बचा दो, मैं अपना बचा दूंगा। इतना में मैं दौड़कर अंदर गए, वहाँ से एक बाल्टी पानी ला कर डाला। फिर भी आग काफ़ी थी, हमने फटाफट पानी डाला। उसके बाद थोड़ा सा लकड़ी वगैरह हटा के देखा तो ऐसा लगा कि अंदर कोई बॉडी जल रही है। पहले ऐसा लगा कि शायद किसी जानवर की बॉडी है। फिर इंटेस्टाइन वगैरह नज़र आया तो इंटेस्टाइन पता चल जाता थोड़ा सा कि आदमी के हैं कि जानवर के। तब हमने दोबारा उस तरफ से जाके देखा तो वहाँ से पूरा क्लियर हो गया कि बॉडी किसी ह्यूमन बीइंग की है, क्योंकि उसमें फेस नज़र आ गया, हाथ नज़र आ गए थे, पैर। फिर इतने मैसेज दे दिया और सीनियर ऑफिसर्स आ गए सारे। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए यह खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भुना गया उसका नाम नैना साहनी है, सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी। के बाल बचे हुए थे, नाक पूरी थी, चेहरे पे गोश बाकी था, जली पूरी बॉडी तो हो चुकी थी, नोज वहीं की वहीं थी, जो नोज नैना की थी उसी नोज वो नोज से मिल रही थी, बाल उस जो नैना पीछे करती थी उसके बाल पीछे थे, जोड़ा बनाती थी, जोड़ा में रखा। ये सुशील शर्मा ने जलाई है, वही लेके आया था। मैं किसकी थी? मैं उसके यहाँ नौकरी करता था सिर्फ। किसकी बॉडी थी?
अब ये तो उसके अंदर बंद थी, पोल्ट्री के अंदर बंद थी। आपने शक्ल नहीं देखी? नहीं, शक्ल नहीं देखी मैंने, मगर वो कई बार उसके आदमी बताते थे कि ये उसकी नैना शर्मा की। वो मतलूब करीम ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना साहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पर सवाल ये था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी का कत्ल क्यों किया? जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के ही पास था, पर वो तब तक दिल्ली छोड़ चुका था। 10 जुलाई 1995, बेंगलोर। दरअसल सुशील शर्मा दिल्ली से भागकर दक्षिण भारत पहुंच चुका था। उसने अपने बाल मुंडा लिए थे और हुलिया भी बदल लिया था ताकि कोई पहचान न सके। मगर 10 जुलाई को पुलिस को पता चला कि सुशील शर्मा अग्रिम जमानत के लिए बेंगलोर कोर्ट पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और इस तरह सुशील शर्मा गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद सुशील शर्मा ने तंदूर कांड का सच बताया। दरअसल सुशील को शक था कि उसकी बीवी नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच संबंध है। नैना साहनी और मतलूब करीम एक साथ कॉलेज में थे, यूथ कांग्रेस में भी दोनों साथ साथ थे। वारदात वाली रात यानी 2 जुलाई को सुशील शर्मा जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि नैना किसी से फोन पर बात कर रही है। सुशील को देखते ही नैना साहनी ने फोन काट दिया। सुशील शर्मा ने बाद में जब रीडायल किया तो पता चला कि वो नंबर मतलूब करीम का ही था। इसी के बाद सुशील और नैना साहनी में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान सुशील शर्मा ने नैना साहनी पर 3 गोलियां दाग दी। एक गोली दीवार पर लगी जबकि बाकी 2 गोलियां सिर और गर्दन में लगी, जिससे नैना साहनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तंदूर कांड देश का पहला ऐसा चर्चित कांड था जिसमें न सिर्फ डीएनए टेस्ट हुआ बल्कि 2-2 बार पोस्टमार्टम भी। वो दूसरा पोस्टमार्टम ही था जिसमें पता चला कि नैना की मौत जलने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। 31 अगस्त 1996 से सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 9 मई 1996 को सेशन कोर्ट ने सुशील शर्मा समेत 5 आरोपियों के खिलाफ दफा 302, 120B और 201 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। जनवरी 1999 तक दोनों पक्षों के 125 गवाहों की गवाहियां रिकॉर्ड की गई। 27 सितंबर 1999 से केस की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 26 अगस्त 2003 तक सुनवाई चली। 3 नवंबर 2003 को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुशील शर्मा को सजाए मौत। दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। 7 साल तक सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 10 साल और मुकदमा चला, यानी कुल 17 साल। इन 17 सालों में सुशील शर्मा को 2 बार फांसी मिली और 1 बार उम्र कैद, पर अब वो इन तमाम सजाओं से दूर फिलहाल आजाद है और अपनी परमानेंट आजादी की राह तक रहा है।